भाजपा में प्रत्याशी ऐलान के बाद लगातार उठ रहे विरोध के सुर। पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर सिंह सिसोदिया के समर्थन में केंद्रीय मंत्री के सामने जमकर प्रदर्शन। श्योपुर में भाजपा से विधानसभा उम्मीदवार की घोषणा के बाद से ही बीजेपी में विरोध के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। श्योपुर में विधानसभा एक से बीजेपी ने दुर्गालाल विजय को विधानसभा उम्मीदवार बनाया है, जिनका विरोध टिकट से पहले भी और टिकट के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। श्योपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के सामने महावीर सिसोदिया के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और टिकट बदलने की बात कहते नजर आए। तो वहीं दिन में पूरे प्रदर्शन के बाद देर शाम महावीर सिंह सिसोदिया भी मीडिया के सामने आए और कहा कि अगर नया चेहरा नहीं बदलेगा तो पार्टी की जीत में शंका रहेगी, क्योंकि इस चेहरे को जनता देखना पसंद नहीं कर रहा है और टिकट का आधार सर्वे बना है। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे साफ लगता है कि सर्वे को मैनेज करके टिकट दिया गया है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पे अगर नया चेहरा नहीं आएगा और प्रत्याशी नहीं बदलेगा तो श्योपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत में शंका रहेगी। दोनों ही दलों के प्रत्याशी को जनता पसंद नहीं कर रही, दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की शक्ल देखना भी नागुजार कर रही है। सर्वे आधार बना है और सर्वे के आधार पे ये चयन हुआ है, मगर सर्वे निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियाँ बन रही है इससे लगता है कि सर्वे को मैनेज करके भारतीय जनता पार्टी ने श्योपुर के प्रत्याशी का चयन किया। जो लगातार पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं क्षेत्र की जनता में पार्टी के लिए समर्पण होते हुए सक्रिय राजनीति में कार्य कर रहे हैं और हर कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, हर पार्टी के कार्यक्रमों को अच्छे ठीक से ढंग तरीके से उनको संयोजित संचालन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी द्वारा नकार दिया जाता है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता आज भी विरोध प्रदर्शन में और वरिष्ठ नेतृत्व के सामने सड़कों पर उतरकर और अच्छे कैंडिडेट जो विजय श्री दे सके ऐसे कैंडिडेट प्रत्याशी के लिए मांग रखी है।